अंकित आचार्य और गणेश हिवारकर दिल्ली पहुंचे और वहां पर अंकित को दिल्ली पुलिस लेकर चली गई। किस लोकेशन पर लेकर गई, कहां लेकर गई, कोई संपर्क नहीं हो रहा। अंकित और गणेश जो है एयरपोर्ट से राजघाट तक पद यात्रा करने वाले थे और इस पद यात्रा में उन्होंने लोगों से जुड़ने को कहा था, लेकिन जैसे ही वो लैंड हुए, पद यात्रा शुरू की, थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस जो है अंकित को ले गई। और सबसे बड़ी बात, अंकित का कोई लोकेशन ही नहीं पता, उसको डिटेन कर लिया दिल्ली पुलिस ने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुशांत का पोस्टर लेकर दिल्ली एयरपोर्ट से राजघाट तक की पद यात्रा कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा जो है डेवलपमेंट हुआ है, जहां एक पीसफुल मार्च कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के दो दोस्त, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुशांत को न्याय दिलाना चाहते हैं। तो उनको पकड़ कर ले जाने का कारण क्या था, आखिर क्यों जो है उनको पकड़ कर पुलिस लेकर गई। गणेश जो है फिलहाल पदयात्रा उन्होंने चालू रखी है, वो काफ़ी भावुक हो चुके हैं, उनका कोई भी संपर्क जो है नहीं हो पा रहा अंकित से। उसको जो है दिल्ली पुलिस डिटेन करके ले गई, उसका फ़ोन जो है वो लगातार ट्राई कर रही हैं, ये भी नहीं पता कि किस लोकेशन पर लेकर गई है। और आप सभी जानते हैं कि अंकित और गणेश पिछले कई दिनों से साथ में रह रहे थे, उनको कई धमकियां मिल रही थी, उसके बावजूद उन्होंने सुशांत को लेकर जो आवाज़ उठाना बंद नहीं किया, वो लगातार आवाज़ उठा रहे थे। और अब वो दिल्ली गए थे क्योंकि वो राजघाट पर कल से भूख हड़ताल शुरू करना चाहते थे। तो रिपब्लिक की टीम वहाँ मौजूद थी, उन्होंने गणेश से बात की, उन्होंने बताया कि कैसे अंकित को जो है दिल्ली पुलिस डिटेन करके लेकर चली गई हैं। और उन्होंने कहा, मैं रुकूंगा नहीं, अगर मुझे भी दिल्ली पुलिस लेकर जाएगी तो भी मैं देखूंगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। उनकी पदयात्रा जारी है, वो दिल्ली एयरपोर्ट से अब राजघाट तक पदयात्रा करके जा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर कि अंकित को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया। और गणेश जो है परेशान है, भावुक है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि अंकित को कहाँ ले जाया गया है, लेकिन उन्होंने अपनी पदयात्रा को ना छोड़ने का फैसला किया है। और उन्होंने कहा कि मैं जो है पदयात्रा पूरी करूंगा और कल भूख हड़ताल पर भी बैठूंगा।